एक दिसंबर से रसोई गैस बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे कई चीजों में होंगे बदलाव जो आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हर महीने की पहली तारीख को कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होते हैं जिनका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। 1 दिसंबर 2024 से भी कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है, जैसे रसोई गैस बैंकिंग, टेलीकॉम और अन्य। आइए जानते हैं ये बदलाव कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है। इस बार भी 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बार बदलाव हुआ है जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत स्थिर रही है। तेल कंपनियां 1 तारीख को विमान ईंधन यानी ATF की कीमतों में भी बदलाव करती है जिससे हवाई किराया प्रभावित हो सकता है। OTP को लेकर बदलाव। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में वृद्धि को देखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि वे संदेशों को ट्रस्टबिलिटी का प्रबंध करें। इसका मतलब है कि कंपनियों को ये पता लगाना होगा कि मैसेज कहाँ से भेजा गया है। यदि कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करती है तो OTP भेजने में देरी हो सकती है या ये सेवा पूरी तरह से बंद हो सकती है। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। 1 दिसंबर से कई प्रमुख बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहे हैं। यस बैंक अपने फ्लाइट और होटल रिवॉर्ड पॉइंट्स की संख्या को सीमित कर देगा जबकि HDFC बैंक अपने रेगालिया क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए लाउंज एक्सेस के नियमों में बदलाव करेगा। इसके तहत अब लाउंज एक्सेस प्राप्त करने के लिए यूजर्स को हर तिमाही में 1,00,000 रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं जिसमें डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्रांजैक्शनों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स का लाभ नहीं मिलेगा। अब जानते हैं आधार अपडेट को लेकर। अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव चाहते हैं जैसे कि फोटो पता आदि, तो ये सेवा 14 दिसंबर तक मुफ्त होगी। इसके बाद आपको आधार अपडेट करने के लिए शुल्क देना होगा। आप माय आधार पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। दिसंबर महीने में बैंकों के अवकाशों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस महीने 8 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी जिनमें 1, 8, 14, 15, 22, 25, 28 और 29 दिसंबर शामिल है। ऐसे में अगर बैंक से जुड़े आपको जरूरी काम है तो आप इन छुट्टियों को ध्यान में रखें। इनमें से कौन से बदलाव आपको सबसे जरूरी लगे हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।